अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी रेसिपी है मसाले भरे बैंगन। ठीक है, तो उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जी हम लोग। तो उसके लिए हमने लिया है बैंगनों के मसाले के लिए, सबसे पहले बता देते हैं आपको, जो हम लोग सालन का मसाला बनाएंगे उसके लिए हमने लिया है प्याज। चार हमने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए, ठीक है, उनको स्लाइस करके ऐसे रख लिया। और हमने लिए हैं चार अदद आलू, उनको इस तरह फिंगर चिप्स की तरह, ठीक है, काट के रख लेंगे हम लोग। और हमने मसालों में जाएगा जी इसमें 1 टेबल स्पून इसमें सूखे धनिया का पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और 1 टेबल स्पून हमने लिया है सॉल्ट। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और साथ ही हमने कुछ अदरक सब्ज़ मिर्ची ले ली, उनको इस तरह स्लाइस करके रख लिया। और इसमें एक प्याली टोमेटो पेस्ट जाएगा, ठीक है, और एक प्याली दही भी इसमें ऐड होगी। तो ये जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये जाएंगे इसके बैंगन के सालन के मसाले में। अब बैंगनों को हमने जो भरना है उसके लिए जो मसाला बनाया है, ये 1 kg हमने बैंगन लिए थे और उनको इस तरह से, ये देखें, इस तरह चीर के हमने रख लिया। और इसके अंदर हमने ये फॉक्स से इसके अंदर ना अच्छी तरह से ये कर लिया, ठीक है, ताकि इसमें मसाले अच्छी तरह से भर जाएं। ये रख लिया हमने। और ये हमने मसाला लिया, ये मसाला हमने बनाया जी इसमें अनारदाना, ठीक है, 2 टेबल स्पून हमने अनारदाना लिया है और 3 to 4 हमने ग्रीन चिलीज ली थी। और हमने इसमें हल्दी डाली है, नमक, मिर्च, ठीक है, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने डालना है इसमें। और उसके साथ ही हमने ज़ीरा और इसमें सूखे धनिया का, ठीक है, वो भी हमने लेके, तो इन सब चीज़ों का अच्छी तरह से पीस लिया। और इसमें साथ ही हम लहसुन भी डालेंगे, अदरक नहीं इसमें जाएगा, ठीक है, लहसुन डालेंगे, वो थोड़ा सा बस ऐड करना है इसके अंदर। तो हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ये देख के बना के तो इसका पेस्ट बना लिया। अब हम इनके अंदर इसकी फिलिंग करेंगे, अच्छे से इसको लगाएंगे इसके ऊपर और उसके बाद इनको स्टीम करते हैं। बैंगनों की हमने फिलिंग करके रख लिया, ये देख लें, इसको अच्छे से हमने इनको अच्छी तरह से इसके हर स्लाइस के अंदर मसाला भर दिया, ठीक है। इस तरह ही हमने सारे तैयार कर लिए, तो अब इनको हम स्टीम पे रखते हैं। बैंगनों को हमने नॉन स्टिक पैन के अंदर रख के, तो इसको हमने, ठीक है, लिड से कवर कर दिया। और इसको अब हम 10 to 15 मिनट्स के लिए इनको स्टीम देंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से अंदर से बन जाएंगे और फिर इस तरह सालन जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो इसको 10 मिनट्स के लिए हम लोग स्टीम देंगे। बैंगनों को हमने स्टीम देके रख लिया, ठीक है, ये देखें, अच्छी तरह से इनको स्टीम करके तो रख लिया, ये अच्छे से पक गए हैं। तब हम इसका सालन बनाने के लिए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। बैंगन के सालन के लिए हमने प्याज डाल लिया, ठीक है, पहले इसको फ्राई कर लेंगे, इसको लाइट फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना हमने। उसके बाद हम बाकी मसाले डाल देंगे। प्याज फ्राई हो चुका, अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर देते हैं। साथ ही हम इसके अंदर टोमेटो पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज आपने ब्राउन नहीं करना, बस इसको इस तरह का ट्रांसपेरेंट सा ये फ्राई हो जाएगा, तो बस इतना सही से करना है, ठीक है। और इसमें हम दही भी ऐड कर देंगे, एक प्याली हमने दही लिया था, इससे मसाले में ज़रा खटास भी पैदा होगी और सालन मज़े का बनेगा। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें आलू ऐड करेंगे। मसाला भूनो गया अच्छी तरह से, अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। अब इसको लो फ्लेम पे हम लोग 6 से 7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, ठीक है, आलू भी पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे और सालन रेडी हो जाएगा। आलू को और मसाले को हमने 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था, ठीक है, उस पर ऑयल आ गया था। उसके बाद हमने इसके अंदर अब बैंगन डाल दिए और इसको हम 5 मिनट के लिए, बस 5 से 6 मिनट के लिए इसको स्टीम पर रख देंगे हल्की आंच पे, और उसके बाद इसको सर्व कर लेंगे। तो ये रेडी है बिल्कुल, ये देखें बैंगन बहुत ही जल्दी बन जाते हैं इस तरह से और ईजी भी है। मसाले भरे बैंगन बिल्कुल रेडी हैं, ये देखें, हमने डिश आउट कर लिया इसको। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे बने, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।